हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटीस वेलिडेटेड चैनल में। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू है हमारे, ठीक है। ये दोनों दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू है। इसको दोस्तों ऑर्थोग्राफिक को हम बनाना है आइसोमेट्रिक में। कैसे बनता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको वेलिडेटेड रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज प्रोवाइड की जाती है। तो आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी किसी दोस्त ने हमें कहा था कि सर आइसोमेट्रिक बना के दिखाइए। तो दोस्तों मुझे लगा बनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू को बनाएंगे हम आइसोमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, ये दो का हमें एक बनाना होता है, और अगर ऑर्थोग्राफिक में कहा हो तो एक का हमें दो या तीन भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हम अभी बनाएंगे आइसोमेट्रिक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है कि ये देखिए, ये आपको इमेज जो है आपके अपने साइड में रख लेना है, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया साइड में इसको। अब ये देखिए जो हमारा सबसे पहले क्या काम होता है, कभी जब भी आप आइसोमेट्रिक बनाएं तो दोस्तों आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब एक बेस लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसे बोलते हैं रोलर स्केल। ये दोस्तों ज़्यादातर है ये जो आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास नहीं है तो आप सेट स्क्वायर या आप कंपास की सहायता से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इससे बनाऊंगा, इससे बहुत ज़्यादा इजीली बन जाता है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी इच्छा अनुसार, जितने भी आपको इच्छा से ड्रॉ करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक बीच में एक पॉइंट ले लेना है। पॉइंट लेने के बाद आपको क्या कर लेना है दोस्तों कि यहाँ से आपको तीन लाइनें, एक इधर और एक सामने, ठीक है। तो ये देखिए मैं बिल्कुल इसके सेंटर में जा रहा हूँ, जो डी, ये छोटा सा डी है, इसमें इसमें जाना है आपको। तो दोस्तों एक 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगाना है आपको, और एक इस साइड 30 डिग्री पे और एक इस साइड 30 डिग्री पे, ठीक दोस्तों। आपको तीन पॉइंट जो है इस तरह से आपको लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको जो है एक लाइन ड्रॉ कर दे रही, बिल्कुल हल्की लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हल्की हल्की सी लाइन, ठीक दोस्तों। इसको बाद में हम डार्क करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, और इधर भी आपको ड्रॉ कर लेनी है। जिस तरह से दोस्तों ये डॉट लगे हैं उसी तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं ये ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और एक आपको सीधी बिल्कुल कर लेनी है जो 90 डिग्री पे आपने लगाया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब दोस्तों आपको देखना है पहले वाले को, ठीक है। तो पहले वाला देख सकते हैं आप, ये है 20 20 20 20 20, यानी दोस्तों 40 60। तो 60 की जो है ये पहला बॉक्स हमारा बनेगा, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू देख सकते हैं आप, FV और TV लिखा है दोस्तों। तो ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप दोस्तों ऊपर बनता है और फ्रंट जो हमारा नीचे बनता है, ठीक है। फ्रंट यानी साइड में बनता है, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये साइड है। साइड दोस्तों इसमें नहीं दे रखा, जो दोस्तों साइड निकलेगी उसको हम निकलने देंगे, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं फ्रंट व्यू कैसे बनता है वो देखिए आप, ठीक दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे फ्रंट व्यू क्या है, 20 20 20, यानी ये दोस्तों 60 है। तो 60 सेंटीमीटर हम यहाँ लेंगे, तो दोस्तों 6 जो सेंटीमीटर हम लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है। देखिए बड़े ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक आपको 60 जो है ले लेना है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमने 60 ले लिया, 60 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों ये देखिए दोबारा यहाँ पे आइए, ये देखिए ये 40, हम इसका 40 लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 40, तो दोस्तों आपको 60 60 बाय 40, और ये जो है आपका साइड का, देखिए ये जो साइड साइड का है वो 30 है, यहाँ पे 30 दिख रहा होगा आपको। तो हम इधर लेते हैं 30, ठीक दोस्तों इधर हमने ले लिया 30। तो ये 60 आपका, ये 40 और ये 30। अब दोस्तों इसका जो फ़ायदा है रोलर स्केल का, यही फ़ायदा है। देखिए आप ये देखो, ये देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारा 40 है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल समांतर लाइन हमें यहाँ लेनी होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ से देखिए, ये हमारा 40 था, तो मैं यहाँ से बिल्कुल समांतर लाइन यहाँ इस वाले डॉट पर ले जाऊँगा। ये देखिए अपने आप ही दोस्तों ये चलता है ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक 40 की लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मैं नाप लेता हूँ कितना 40 हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 40, ठीक है दोस्तों। ये 40 है हमारा और ये भी 40 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 60 का, ठीक है। तो 60 का आपको एक ऐसे
लगा देना है, ठीक है, हल्की लाइन लगाएं अभी। उसके बाद दोस्तों ये कितना है हमारा 40, ये हमारा कितना है 40 का, तो 40 तो इस साइड जाना है हमें, तो यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पे ये देखिए, तो आपको 40 की एक लाइन जो ड्रॉ कर लेनी है इसके समांतर बिल्कुल, यानी इसके पैरेलल ले जाने आपको ऐसे 40 की लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। 40 कहाँ तक आएगा ये देखिए, यहाँ तक आ जाएगा 40 दोस्तों। ये 40 हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलाने के बाद आपके पास इस तरह से आपको बन जाएगा। अब दोस्तों आपको ये पूरा बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद ही हम कुछ करेंगे इसमें। तो यहाँ से आपको इसके समांतर जो है ये लाइन देखनी है, ये लाइन, और इस तरह से आपको ले जाना है। आप दोस्तों को सेट स्क्वायर से कर सकते हैं, लेकिन ये रोलर स्केल से आप बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली बना लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको ये जाना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ से ऐसे ले जाना है, ठीक दोस्तों। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें इस तरह से ले जाना है। तो ये दोस्तों आपका एक बॉक्स बन गया, जो भी लाइन है दोस्तों फालतू है उसको मिटा देंगे हम, ठीक है। को एक जो है बॉक्स तैयार कर लेना है, ठीक है। तो बॉक्स दोस्तों हमने तैयार कर लिया। आप दोस्तों ये देखिए यहाँ पे, ये दोस्तों है यहाँ पे नीचे जो है 10 mm नीचे दिखा रखा है, ठीक है, 10 mm। तो दोस्तों हम इसमें 10 mm करेंगे, लेकिन कितने डिस्टेंस पे, 20 के डिस्टेंस पे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे 20 के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, 60 था हमारा, और ये देखिए आप यहाँ पे मैं जो 20 पे पॉइंट लगा रहा हूँ, एक 20 पे पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। दो पॉइंट हमने लगा लिया। अब दोस्तों दो पॉइंट हम इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इधर भी काट रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे ये 20 पे पॉइंट लगाया मैंने, और यहाँ पे भी इस पे पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों आपको इसके समांतर ये लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, आप दोस्तों इसके पैरेलल लेनी है लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये पैरेलल मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी थी, अब दोस्तों ये लाइन भी हमें इसके पैरेलल लेनी है। तो ये देखिए आपको ये लाइन भी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे, ऐसा ड्रॉ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 10 mm नीचे है, 10 mm दोस्तों इसमें नीचे है, तो यहाँ से हम लेंगे 10 mm इसके समांतर लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए बिल्कुल मिला लीजिएगा यहाँ पे, और इस तरह से आपको पीछे की ओर लेना है, और यहाँ से 10 mm ले लेना है आपको, ठीक है। तो नाप भी लेंगे आप ताकि आपके बड़ा छोटा ना हो, ठीक है, जहाँ पे 10 mm हो वहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए। इसी तरह दोस्तों यहाँ से भी आपको ले लेना है इसके पैरेलल, तो यहाँ भी हम आ जाएंगे और 10 ले लेंगे नीचे, देख लेते हैं हम, ठीक दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे एक बॉक्स, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होने के बाद आपको क्या कर लेना है, जो आपकी फीकी लाइन थी इसको आप चाहे तो उसे मिटा दीजिए, इसलिए मैंने कहा दोस्तों इसको फीकी ही रखे। तो इस तरह से आपको मिटा देना है। मिटाने के बाद दोस्तों ये देखिए इसके पैरेलल ही हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसके पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये दोस्तों इसके पैरेलल आपको करने ड्रो, ये देखिए ये पैरेलल हमारी लाइन है, इसके पैरेलल चलेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। और ये वाली लाइन जो है ये लाइन जो हमारी होगी ये हमारी इसके पैरेलल आएगी, ठीक दोस्तों, ये इसके पैरेलल आएगी। और ये लाइन जो हमारी बच गई है इसको भी हम देखेंगे, तो ये यहाँ से ऐसे लेंगे आप इसके पैरेलल, और ये यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ से सांचा जो है कटा हुआ आपको दिखाई देगा, ये आप चाहें तो मिटा दें,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका ये एक पूरा जो है इसमें से हमने निकाल दिया, जो आपका ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये, ये तीन लाइनें आपको दिखाई देगी, एक दो तीन, ठीक है। ये टॉप आपका बन गया और ये दोस्तों आपका फ्रंट बन गया, जो यहाँ से आप देखते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा जो टेन है, और इस तरह से आपको ये सांचा दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आइसोमेट्रिक तैयार हो गया। अब दोस्तों इसमें हम क्या कर लेंगे, डायमेंशन लगा देंगे और जो भी लाइन है आपकी उसको मिटा देंगे आप, ठीक है। तो मैं अब इसमें डायमेंशन दूंगा, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने के लिए दोस्तों आपको कुछ तो करना है, इसके दोस्तों आपको एरो लगा देना है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो इसको आपको जो है डार्क कर लेना है, जो अभी लाइनें आपकी फीकी है उसको डार्क कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका आइसोमेट्रिक तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने बनाया अभी, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये देखिए, ये टॉप व्यू है आपका, ये टॉप व्यू है, और ये आपका जो है ये फ्रंट व्यू है ये वाला आपका, और ये साइड व्यू है, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू आपका तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू, आइसो, वैसे आपको लिखना नहीं है, मैं लिख देता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।